हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट दिस इज़ आवर सोशल स्टडी पीरियड एंड वी विल रीड आवर चैप्टर नंबर थर्टीन ए मोट पीपल ए मोटर पीपल्स मीन्स ऐसे लोग जो इस दुनिया में जाने के बाद भी अमर हैं इट मीन्स उनका ऐसा वर्क है जिन्हें आज भी हम लोग याद करते हैं तो ऐसे लोगों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टार्टअप वॉट इज रिटर्न देयर इन स्टार्टअप लेट सी देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु मेड देयर परसेंस फैल्ट इन द वर्ल्ड थ्रू देयर वर्क हमारे संसार में ऐसे लोग हैं जो मतलब वो इस दुनिया में नहीं है फिर भी अपने पर्सन हम लोगों को फील कराते हैं अपने काम से दीज पीपल शोड अज द पाथ ऑफ विजडम ये लोग इन लोगों ने हमें विजडम का पाथ बताया आवर कंट्री इंडिया इज आल्सो नॉट एन एक्सपेक्टेशन हमारे इंडिया में भी इसी, इसी तरह के कई लोग हैं मैनी ग्रेट टीचर्स प्रीचर्स रिफॉर्मर्स एंड द लीडर व बॉर्न इन इंडिया कैन यू नीम सम स्टार्ट देखते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे

Who are great people? Our country, India, boasts of producing a number of great people. These people were teachers, preachers, reformers, and leaders. They worked selflessly for upliftment of society and their motherhood. They carried the message of peace and the love for all human beings. Let us look. एट सम ग्रेट पीपल हु हैव इंफ्लुंसड ऑन लाइफ ओके यस मीन समझिए हमारा देश जो इंडिया है उसमें कई ग्रेट लोग हुए उसमें कुछ टीचर्स थे मानी जिन्होंने हमें कई शिक्षाएं दी कुछ टीचर्स थे जिन्होंने उपदेश दिए कुछ फॉर्मर्स रिफॉर्मर्स मतलब जो समाज सुधारक थे और कुछ लीडर थे इन्होंने सेल्फ लेसली निस्वार्थ होकर हमारी सोसाइटी को ऊपर उठाने का काम किया और अपनी मदरलैंड में इंडिया के लिए भारत के लिए अपना काम किया और इन्होंने सिर्फ एक ही मैसेज फैलाया चारों तरफ अमन और शांति और सब में प्यार हो कोई किसी से झगड़ा ना करे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड रिलीजियस टीचर यानि धार्मिक टीचर हिंदुज्म इज वन ऑफ ओल्डेस्ट रिलीजन इन दर्ल्ड जो हिंदुज्म है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना रिलीजन है इट ऑर्गिनेट इन इंडिया अबाउट सिक्स थाउज थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इयरोग लगभग तीन हजार छ सौ साल पुराना है द वेदास दुरानस आर द अमंगस्ट हॉली बुक हमारे जो वेद पुराण पुराने वो बहुत ही पुरानी हॉली बुक्स हैं द रामायण एंड द महाभारत आर द अदर हॉली हॉली बुक्स रामायण और महाभारत दूसरी हॉली बुक्स हैं एंड द रामायण लेसन फ्रॉम एंड द रामायण टीचर्स अबाउट द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा एंड द महाभारत टीचर्स मैनी लेसन फ्रॉम आर डेली लाइफ रामायण से हमें भगवान राम की लाइफ के बारे में शिक्षा मिलती है उनसे कुछ सीखने को मिलता है और महाभारत हमें ये सिखाती है कि हमारी डेली लाइफ कैसी होनी चाहिए आदिशंकराचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती एंड द स्वामी विवेकानंद वर सम ऑफ ग्रेट टीचर्स आदिशंकराचार्य महर्षि दयानंद एंड द स्वामी विवेकानंद ये महान टीचर थे बुद्धिस्म से बुद्ध भगवान इन योर बुक आल्सो बुद्धिज्म गौतम बुद्ध ही वाज ए रिच प्रिंस द कंफर्ट ऑफ़ हिज पैलेस टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ बुद्ध भगवानों ने बुद्ध भगवानों ने गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म धर्म स्टार्ट किया था और ये एक प्रिंस थे राजकुमार थे जिन्होंने अपने महल की कंफर्ट लाइफ को लग्जरी लाइफ को छोड़ दिया ये समझने के लिए कि रियल में जीवन है क्या ही गॉट अलाइटमेंट एट बौद्ध गया बिहार फिर इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ बिहार में ही टॉट इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग एंड द काइंडनेस टू ऑल लिविंग बींग और उन्होंने हमें ये सिखाया कि सारे इंसान बराबर हैं और हमें सभी जीवों में दया रखनी चाहिए जैनिज्म जैनिज्म वॉज फाउंडेड बाय ऋष देव जेनिज्म के जो फाउंडर थे वो ऋषभ देव थे द फर्स्ट तीर्थांकर इन्हें फर्स्ट तीर्थंकर कहा गया और स्परिचुअल टीचर कहा गया ही वॉज स्प्रेड बाय लॉर्ड इट वॉज स्प्रेड बाय लॉर्ड महावीर द ट्वेंटी फोर तीर्थांकर उसके बाद जैनिज्म है जो लॉर्ड महावीर के द्वारा बहुत ज़्यादा फैलाया गया जो ट्वेंटी फोर तीर्थांकर थे ही लिव्ड एट द सेम टाइम एज बुद्ध और ये भी उसी समय के हैं जब भगवान बुद्ध थे काइंडनेस टू ऑल लिविंग बींग इन्होंने भी ये फैलाया कि हमें सभी जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए ही हेज पीपल टू लिव ए सिंपल लाइफ एंड द फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वॉलियंस इसने कहा हमेशा व्यक्ति को सिंपल लाइफ बितानी चाहिए और अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए यानी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद वॉज अ फाउंडर ऑफ इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद इस्लाम के फाउंडर थे इट वॉज द बिलीव्ड एज अ मोहम्मद वॉज अ गॉड मैसेंजर ऑन द ये वो मानते थे कि भगवान ने मुझे एक मैसेंजर के रूप में धरती पर भेजा है ही गैव द मैसेज ऑफ लव पीस एंड ब्रदरहुड वो मैसेज यही देते थे कि चारों तरफ प्यार ही प्यार हो अमन शांति हो और सब में भाईचारा हो यह स्टीचिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड इनकी जो टीचिंग थी वो पूरे वर्ल्ड में फैल गई इंक्लूडिंग इंडिया यहाँ तक कि इंडिया में फॉलोअर ऑफ इस्लाम आर नोन एज मुस्लिम जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उन्हें मुस्लिम्स कहते हैं द हॉली बुक ऑफ इस्लाम इज कुरान मुस्लिम की हॉली बुक है उन्हें उसे कुरान कहा जाता है सिक्किज्म रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय गुरु नानक देव इनके जो फाउंडर थे सिक्किज्म की वो गुरु नानक देव थे ही लिव्ड इन पंजाब अबाउट 500 हंड्रेड ईयर को ये पंजाब में नियर अबाउट 500 हंड्रेड रह, ईयर रहते थे ही बिलीव डेट देर इज ओनली वन गॉड एंड द पीपल हैड गिवन हिम डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेम ये कहते थे कि भगवान तो एक ही है लेकिन लोगों ने उन्हें अलग अलग नाम दे रखे हैं द हॉली बुक ऑफ इज़ गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब इनकी जो हॉली बुक है वो गुरु ग्रंथ साहिब है क्रिश्चनिटी क्रिश्चनिटी वॉज फाउंडेड बाय द जीजस क्राइस, क्रिश्चनिटी जीजस क्राइस ने फाउंडेड की थी ही वॉज बॉर्न अबाउट टू थाउजेंड ईयर अगो इन बैथलम ये दो हजार साल पहले बैथलम में पैदा हुए थे हीज प्रेज लव एंड ऑल हुमन काइंड इनकी जो प्रेज इनका उपदेश जो था लोगों के प्रति दया और प्रेम का था इमेज द इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉर्गेस ये मानते थे कि सबको क्षमा कर देना चाहिए माफ कर देना चाहिए द हॉली बुक ऑफ द क्रिश्चनिटी इज बाइबल जो इनकी हॉली बुक है वो बाइबल है क्रिश्निटी वॉज ब्राउड टू इंडिया बाय सेंट थॉमस और जो क्रिश्चनिटी हमारे इंडिया में आई वो सेंट थॉमस के द्वारा आई अब जेरोजियम जड थ्रूट वॉज द फाउंडर ऑफ फारसी रिलीजियन जो जेरो फारसी रिलीजियन है इसके जो फाउंडर थे वो जड थ्रूस्ट थे फारसी बिलीव इन टीचिंग लिव्ड इन ईरान अबाउट टू थाउजेंड फाइव इंडियर जो फारसी हैं वो इनकी टीचिंग में बिलीव करते हैं और ये दो हज़ार पाँच सौ साल पहले ईरान से ईरान में रहते थे ही थाट दैट आर ड्यूटी इज़ टू बी गुड एंड फाइट इवन ये मानते थे इन्होंने ये सिखाया कि हमारी जो ड्यूटी है अच्छा बनना है और बुराई के खिलाफ लड़ना है द हॉली बुक ऑफ फारसी इज़ कॉल जैन अवस्था इनकी जो बुक है हॉली बुक उसको बोलते हैं जैन अवस्था सोशल रिफॉर्मर सोशल रिफॉर्मर वो होते हैं जो समाज में बुराइयों को दूर करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम इवेल प्रैक्टिस टेक रूट इन सोसाइटी समय समय पर जो बुराई होती है वो हमारी सोसाइटी में सोसाइटी की जड़ों तक पहुंच जाती है यानी बहुत ज़्यादा फैल जाती है उनको बाहर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल बिलीव इन कास्ट सिस्टम जैसे कि हमारे इंडिया में जो लोग हैं कास्ट सिस्टम पर बिलीव करते हैं प्रैक्टिस सिस्टम पर एंडर ड्योरी सिस्टम पर यहाँ तक कि चाइल्ड मैरिज पे भी ब्रेव पीपल हैगेंस्ट सच प्रैक्टिस एंड हैव टू इम्प्रूव सोसाइटी और जो बहादुर लोग जो ब्रेव पीपल होते हैं वो इन बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं लड़ते हैं लड़ते हैं, मतलब डंडा लड़, लेके नहीं ठीक है और इनको दूर करने की कोशिश करते हैं पीपल हु ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोसाइटी थ्रू दे सोसाइटी को चेंज करते हैं यानी कि उस जो बुराइयों को निकालते हैं उनको हम कहते हैं सोशल रिफॉर्मर तो फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर इज कबीर ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड सेंट ये बहुत अच्छे कवि थे और बहुत महान संत ही फाउट अगेन द सोशल ही सिस्टम ये इन्होंने कास्ट सिस्टम को दूर भगाया ये मानते थे कि कोई भी जाति नहीं होती है सभी एक ही जाति के लोग हैं सभी मनुष्य हैं इम्पोर्टेंस इंपॉर्टेंस गिविन द रिचुअल बाय द हिंदू एंड द मुस्लिम प्रिस्ट ये मानते थे ये कहते थे हिंदू मुस्लिम सब एक हैं स्प्रेड हिस्स मैसेज ऑफ लव एंड इक्वलिटी थ्रू भजन एंड पोयम नोन एज धोया और ये अपने प्यार भरे मैसेज और इक्वलिटी वाले मैसेज अपने भजन के थ्रू लोगों तक पहुंचाते थे इनके भजन और जो पोए है इनको हम धोआ कहते हैं जो आप लोग पढ़ते हो राजा राम मोहन राय ही फाउट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज जो हमारे इंडिया में एक सिस्टम था एक प्रैक्टिस थी कि बच्चों की शादी कर जाती कर दी जाती नियर अबाउट आठ नौ साल के बच्चों की शादी कर दी जाती थी तो जो राजा राम मोहन राय थे उनको ये सही लगा क्योंकि उस वक्त तक बच्चे जल्दी से बड़े भी नहीं हो पाते और उनकी शादी कर दी जाती है और किसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई कास्ट सिस्टम एंड सती प्रथा सती प्रथा मीन्स बर्निंग ए विडो अलोंग विद द बॉडी ऑफ आर हेस्बेंड इसका मतलब होता है कि अगर किसी का हसबेंड एक्सपायर हो जाते हैं तो उस लेडीज स्क्वाइड में उसके वाइफ को उनके हस्बैंड के साथ ही जला दिया जाता है तो उन्होंने इसको भी दूर किया ही एजुकेशन कैन पीपल गेट रिट ऑफ लाइक चाइल्ड मैरिज सती प्रथा उनका ओपिनियन था उनका ये विचार था कि केवल एक शिक्षा ही है केवल के एक एजुकेशन ही है जो इन सोशल जो बुराइयां हैं उससे छुटकारा पाया जा सकता है सोशल बुराई कौन सी थी सोशल इवल कौन सी थी चाइल्ड मैरिज और सत्य प्रथा ही स्प्रेड हिज थॉट एंड आइडियाज थ्रू सोशल वर्क एंड हिज आर्टिकल्स और वो अपने आइडियाज सोशल वर्क यानी कि अपना सोशल वर्क करते थे जाते थे लोगों से मिलते थे उन्हें समझाते थे और अपने आर्टिकल्स लिख के उनको समझाते थे रामाबाई डे

इन्होंने ये महसूस किया जो मॉडर्न एजुकेशन है वो मुस्लिम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी थी ही सेट स्कूल टू एजुकेशन चिल्ड्रन इन्होंने स्कूल स्थापित किए बच्चों की एजुकेशन के लिए ही आल्सो फाउंडेड ए कॉलेज एट अलीगढ़ इन्होंने अलीगढ़ में एक कॉलेज भी बनाया लेटर इज बिकम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसका नाम पड़ गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आज भी है किंग्स मीन्स राजा देखते हैं राजा कौन कौन से हुए हमारे फर्स्ट है अशोका अशोका वाज ग्रेट किंग अशोका ग्रेट किंग थे ही फाउट एंड वॉन मैनी बैटल्स इन्होंने बहुत सारी बैटल्स को जीता है और बहुत सारी बैटल्स लड़ी बट आफ्टर विनिंग द फेमस बैटल ऑफ कालिंगा लेकिन जब इन्होंने कालिंगा एक जगह का नाम है ठीक है उसकी एक बैटल को जीत लिया यानी उस युद्ध को जीत लिया ही वॉज वेरी सैड टू सी द थाउजेंड ऑफ डैड एंड द इंजर्ड सोल्जर तब मतलब जीत तो लिया उन्होंने लेकिन वहां पे देखा कि बहुत सारे हजारों संख्या में जो सोल्जर सिपाही हैं कुछ तो मरे पड़े हैं कुछ घायल हैं। और ये सब देख के उनका जो दिल है वो एकदम ये हो गया कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि एक चीज को जीतने के लिए उन्होंने इतने सारे लोगों को मार दिया ही गैव अप वॉर एंड बिकम द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म उन्होंने तब से युद्ध करना छोड़ दिया और बुद्धिज्म के फॉलोअर हो गए ये हेल्प टू स्प्रेड बुद्धिज मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस उन्होंने जो बुद्ध भगवान का जो मैसेज था नॉन वायलेंस का अहिंसा का जो मैसेज था वो स्टार्ट कर दिया सबको देना उन्होंने सबको ये कहा कि, कि किसी भी राजा को युद्ध नहीं करना चाहिए यानी तो किसी को भी लड़ना नहीं चाहिए ये बेल फ्री हॉस्पिटल्स रोड धर्मशाला वेल टैंक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए फ्री हॉस्पिटल्स बनाए रोड्स बनाए धर्मशाला बनाई कुएं बनवाए टैंक बनवाए स्प्रेड टीचिंग द पुटिंग ऑन द रॉक एंड पिलर्स, फिर बड़े बडे चट्टानों पे, बड़े -बड़े पिलर पे बड़े-बड़े की जो टीचिंग थी उनको उस, उस पे लिखवाया ट्रीट सब्जेक्ट एज ए चिल्ड्रन वो अपनी प्रजा को ऐसे प्यार करते थे जैसे वो उनके बच्चे हो कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय रूल्ड इन साउथ इंडिया अबाउट फाइव हंड्रेड इयर अगो जो देव राजा थे वो साउथ इंडिया के राजा थे लगभग 500 साल पहले ही वॉज द माइट किंग ऑफ विजयनगर वो विजयनगर के सबसे शक्तिशाली राजा थे ही वर्कड फॉर द गुड ऑफ द पीपल वो लोगों की भलाई के लिए काम करते थे ही इंक्रेज आर्टिस्ट पोएट एंड द राइटर वो आर्टिस्ट लोगों को पोएट लोगों को राइटर को इंक्रेज करते थे यानी उनका मान सम्मान बढ़ाते थे और उन्हें हमेशा ये आ, इंक्रेज करते थे कि आप आपको लिखना है एक आप आर्टिस्ट हो आप पोएट हो ही आल्सो इंक्रेज द फॉरिजन ट्रेड टू इंक्रीज द प्रोस्पर्टी ऑफ इस किंगडम और जो फॉरेजन यानी कि जो विदेशी लोग आते थे उनको उनसे भी वो व्यापार करने के लिए इंक्रेज करते थे ताकि उनके राज्य की समृद्धि और ज़्यादा बढ़े ही आल्सो ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट पोएट एंड रॉयट इन तेलुगू वो तेलुगु के बहुत अच्छे पोएट थे और बहुत अच्छे राइटर थे अकबर अकबर वॉज ग्रेट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी अकबर थे जो मुगल वंश के सबसे ग्रेस्ट रूलर थे ही इज नोन एज एस्टेब्लिश हिंदू मुस्लिम यूनिटी उनको याद किया जाता है कि उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम को एक ही समझा कभी अलग नहीं समझा उन उनमें एक यूनिटी एक एकता स्थापित की ड्यूरिंग दिस रूल मैनी मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट उनके राज्य में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बिल्ट किए गए बिल्ट इस सिटी नियर आगरा कॉल्ड फतेहपुर सीकरी उन्होंने आगरा के पास एक सिटी बनाई जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी जो आज भी है दो अकबर अकबर खुद लिख पढ़ नहीं सकता था इंक्रेज आर्ट म्यूजिक एंड लिटरेचर लेकिन फिर भी आर्ट म्यूजिक और लिटरेचर को इंक्रेज करता था गैव ए लॉट ऑफ अटेंशन टू वेलफेयर ऑफ पीपल ही रिमेम्बर एट ए ग्रेट रूल उसने भी लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए और आज भी उसे एक महान राजा के रूप में जाना जाता है साइंटिस्ट मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी एंड द मेडिसिन वर वेल डेवलप्ड साइंस इन एशियंट इंडिया हमारे प्राचीन भारत में मैथमेटिक एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन बहुत ज़्यादा डेवलप हुए द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो वॉज बॉर्न इन इंडिया जो जीरो का कॉन्सेप्ट है वो भी इंडिया में ही जन्म हुआ उसका यानी इंडिया से स्टार्ट हुआ द decimal सिस्टम वॉज also डेवलप बाई इंडियन जो डेसिमल सिस्टम जो पॉइंट वाला आप सिस्टम देखते हो वो भी इंडिया के हमार, हमारे हमारे इंडियज ने स्टार्ट किया जीवक वॉज ए फिजिशियन इन एशियंट इंडिया जीवक एक इंडिया के फिजिशियन थे the Ayurved system of medicine was developed in India thousand of years ago Ayurved का uh, जो system है यानी yani Ayurvedic जो medicine है वो भी लगभग हजारों साल पहले हमारे भारत से start हुई surgery was also performed in ancient India surgery means operation भी first time हमारे India में हुआ बहुत हजारों साल पहले the study of star and the solar system was also well developed यानी yani, uh, तारों की गणना और uh, ग्रहों की चाल uh, जो हमारे ग्रह हैं जो प्लैनेट्स हैं ये सारा हमारे इंडिया के जो एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने ये सारी चीजें पहले ही बता दी थी वाज़ द ग्रेट मैथमेटिशियन एस्ट्रो एस्ट्रोनॉमर ऑफ एशियन इंडिया आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर थे वारमिया वॉज ए वेल नोन एस्ट्रोनॉमर जो वारा मई थे वो भी एक बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे चरक वाज़ द फेमस फिजिशियन चरक फेमस फिजिशियन थे एंड द सुश्रुत इज अ सर्जन और सुश्रुत एक सर्जन थे जो ऑपरेशन करते थे एस रामानुज जे सी बोस सी वी रमन होमी भाभा विक्रम सारा भाई एस चंद्रशेखर एंड ए जे अब्दुल कलाम व सम ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट ऑफ इंडिया ये इंडिया के मॉडर्न साइंटिस्ट थे ए पी जे अब्दुल कलाम इज आल्सो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ए पी अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन इंडिया भी कहा जाता है ही वॉज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ओके okay? अब आपको क्या करना है टू थ्री टाइम अच्छे से रीड करना है क्योंकि जब आपको वर्कशीट मिले तो आप अपने से कर सको ओके लेट्स सी exercise reformer and astronomy this is word zone and you have to define what is reformer and the what is astronomy you have to do in your copy and exercise arena in book see properly true false see properly and do in book Question answer. What do you mean by social reformer? You can see here in social reformer. Understand? And question number two here. And answer number three there. You see, pause the video and write answer. and the four he gave the lot of attention to welfare people and remember the great ruler of india and the answer number five okay this is your video and the pdf also you have to do understand and the worksheet i will send so, two, three times you have to read and complete your question, answer, and exercise. Take care and do your work.